हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो लगता है थोड़ा सीरियस रहने वाला है, क्योंकि इसका टाइटल ही कुछ ऐसा है। हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा करता है कि भारत में रह रही माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, उनके ऊपर बहुत जुल्म किया जाता है, उनको उनके हकूक नहीं मिलते। इस तरह का प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल लेवल पर जाकर पाकिस्तान करता रहा है, जबकि इनके यहाँ खुद माइनॉरिटीज़ का क्या हाल है वो हम सबको मालूम है। खैर, ये प्रोपेगेंडा तो अपना करते रहते हैं, लेकिन दरअसल पाकिस्तानी पब्लिक क्या सोचती है, उनका क्या, कितनी सेकुलर है पाकिस्तान, कितना सेकुलर है इस मामले में कि वो और मज़हबों को साथ लेकर चलता है और धर्मों की इज्जत करता है या नहीं, इसको लेकर ये वीडियो देख लेते हैं। क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा सीरियस रहने वाला है, इसके टाइटल में कुछ ऐसा है। शरारत टीवी से ये वीडियो है जिसका टाइटल है फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन इस्लामाबाद। तो पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन है और देख लेते हैं कि कितना सेक्युलर मुल्क है पाकिस्तान जो ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी। तो अभी ये सब साफ हो जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3 एंड स्टार्ट। मैं हूँ जोहा मलिक, शारा टीवी के साथ। आज मैं लोगों से पूछूंगी कि जो इस्लामाबाद में मंदिर बन रहा है उनकी इस बारे में क्या राय है, आइए जानते हैं। इस्लामाबाद में जो मंदिर बन रहा है आपका, उसके बारे में क्या कहना है? भाई, इस्लामाबाद ही लाल मस्जिद गिरा देती है ना, उन्होंने मंदिर ही बनाना, बना दो मौजा कर। मस्जिद लोग जाने वाले नहीं है। मिर्जई ने, इमरान खान ने अपनी माँ का जनाजा नहीं पढ़िया। मैं चश्मदीद गवाह है, गया उन्हें अपनी माँ का जनाजा नहीं पढ़िया। वो मंदिर बनाए, जो मर्जी बनाए, मस्जिद लाल मस्जिद गिरा दी, बच्चों को कतल करता, मौलविया को कतल करता। इतने वाला माएकराम पाकिस्तान ही नहीं होने चाहिए, सिर्फ मिर्जई ही होने चाहिए ने। बस वो मंदिर बना दिए जो मर्जी करना, अल्लाह खैर। आपको फर्क नहीं पड़ता है जी? आपको फर्क नहीं पड़ता कि कुछ भी बने? नहीं, फर्क ही पड़ा। अल्लाह अजाब नाजिल फरमाएगा, पूरा इस्लामाबाद बर्बाद हो जाएगा इस मंदिर की वजह। तो जो इस्लामाबाद में मंदिर बन रहा है आपका, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि इस्लामाबाद में जो मंदिर बन रहा है तो ये बनना ही चाहिए नहीं। हमारा इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, खासकर जो हिंदू बिरादरी है उसको तो कभी भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कितने जुल्म कर रहे हैं इंडिया में, कितने मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, तो ये मंदिर बनना कोई जायज़ बात नहीं है। तो हुकूमत को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए और क्यों नहीं बनाना चाहिए, और अगर बना रहे हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा हमारे मुल्क पर? मैं तो खान साहब को मैसेज दूंगा, एक तो खान साहब हमारे बड़े फेमस आदमी हैं, उन्हें मैं यही मैसेज दूंगा कि ये जो मंदिर बना रहे हैं इन्हें कबिल किसी सूरत में ना बनने दें। इससे मोदी को, तो मोदी सरकार को एक और छूट मिलेगी। दूसरी ये बात है कि हमारे पाकिस्तान में, हमारे कंट्री में मंदिर बनना ही नहीं चाहिए, इससे इंडिया पे, मुसलमानों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस्लामाबाद में जो मंदिर बन रहा है उसके बारे में क्या कहना है? जी, मेरे बारे में यही कहना है कि बनाएं बेशक, लेकिन कैपिटल सिटी में नहीं बनाएं। आप किसी दूसरे शहर में बना सकते हैं, लेकिन कम से कम जो गवर्नमेंट का पैसा है, जो आवाम का पैसा है, जो आवाम का टैक्स का पैसा है, उसमें से बनाएं। उसके लिए भी ऐसे ही चंदा रेज करें, जैसे आप लोग डैम बनाने के लिए आप लोगों ने रेज किया, जैसे आप लोगों ने कोई भी जो बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, जो इसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो आप सबको पता है कि कैसे बनाए। तो बराए मेहरबानी आप इसको भी वैसे ही बनाएं, और इस्लामाबाद में नहीं बनाएं, कम से कम किसी दूसरे सिटी में बनाएं। लेकिन इस्लामाबाद में क्यों ना बनाए, इसकी क्या वजह? हमारी कैपिटल सिटी है, मेरे नहीं ख्याल, ये मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है। लेकिन है तो वो भी पाकिस्तान में। लेकिन वो भी पाकिस्तान है, लेकिन जैसे जो हकूक होते हैं, जैसे कोई भी माइनॉरिटी है उसके हकूक हैं, तो वो उसको मिलने चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कैपिटल में होना चाहिए, उसके हट के कहीं बना लें तो बेहतर है। बनना चाहिए लेकिन इस्लामाबाद में नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए, वैसे भी आज़ादी होनी चाहिए, मजहबी आज़ादी हर किसी को होनी चाहिए, और इसके हम खिलाफ नहीं, अगेंस्ट नहीं है। जो इस्लामाबाद में मंदिर बन रहा है आपका, उसके बारे में क्या कहना है? इस्लामाबाद में जो मंदिर बनने जा रहे हैं तो इंतहाई बिल्कुल नेगेटिव है, बिल्कुल। क्योंकि ये इसको चाहिए था वज़ीर-ए-आज़म को कि कोई मस्जिद बना दे, कोई ऐसी चीज़ बनाए ताकि आवाम का भला हो सके। इस मंदिर बना रहा है, ये क्या करना चाह रहा है? इसमें हमें तो इसके बिल्कुल बरक है इसके, क्योंकि मुसलमानों में ये इजाज़त नहीं देती ये चीज़ कि ये मंदिर बना रहा है। और दूसरी बात, इतने इंतई कितना वज़ीर-ए-आज़म था, ऐसे इसने कहा था कि हम सबको तब्दील लाएंगे, इसने सारा कोई बेड़ा घर करा दिया मुल्क का भी और सारा कुछ, क्योंकि ये आर्मी का नुमाइंदा है, एज ए सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म है। तो इससे पहले जो नवाज शरीफ हुकूमत थी वो इंतई अच्छी थी, ठीक है, वो खाते थे लेकिन काम करते नजर कुछ आते थे। उसने अब सारा कुछ बेड़ा गर्क करके रख दिया, हम लोगों का भी जो छोटे गरीब खानदान है, तो इस वजह से बहुत ये नेगेटिव होने जा रहा है। आपको नहीं लगता कि हर इस्लाम, हर मजहब को उसका हक मिलना चाहिए? ठीक है, क्योंकि हम एक खुदा की इबादत करते हैं, चाहे जिस तरह मर्जी हो। लेकिन अब ये मैं नहीं कह सकता कि मैं बींग मुस्लिम, मैं नहीं कहता कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन
इसकी जगह इसको मस्जिद बना देता तो वो बैलेंस गुड था बहुत ज़्यादा। इस्लामाबाद में जो मंदिर बन रहा है आपका, उसके बारे में क्या कहना है? वो नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? वैसे ही नहीं, वैसे मजहबी लिहाज से नहीं बनना चाहिए। तो मजहब तो हमारा तो इतना कंजस्टेड मजहब नहीं है ना कि वो हर इस्लाम, मतलब इस्लाम जो है वो हर मजहब को आज़ादी देता है। और आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में हर मजहब को वो मिलना चाहिए, उसका हक मिलना चाहिए? वो तो बात आपकी सही है, लेकिन वो कैसा जुल्म कर रहे हैं कश्मीर पे। अच्छा, कश्मीर पे जुल्म कर रहे हैं इसलिए वो नहीं बनना चाहिए मंदिर? मैं कहता हूँ कि नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आप हुकूमत को क्या होती है? अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं बनना चाहिए। तो देखा आपने दोस्तों, ये है सेक्युलर पाकिस्तान और ये इनकी सोच। वीडियो को देखकर हैरानी से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि किस लिहाज से ये अपने आप को जो है वो डिफेंड करते हैं, अपने आप को ये दुनिया के इस नज़रों में दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हकूक़ देते हैं। एक भी बंदा आपको ऐसा दिखा जिसने माइनॉरिटीज़ को, जिसने हिंदू सिख किसी को भी ये कहा हो कि वो हमारे भाई हैं और मंदिर बनना चाहिए? क्या कोई भी ऐसा शख्स दिखा आपको कि जिसने ये कहा हो कि नहीं नहीं मंदिर बना दीजिए, कोई मसला नहीं है, हमारे देश में उनको भी उतने ही हकूक हैं जितने एक मुसलमान को हैं? कहीं पर भी एक ऐसी सोच ज़रा सी भी इनकी एक नज़र आई हो? एक्चुअली पाकिस्तान यही है, पाकिस्तान की सोच यही है। और मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, ये जो कह रहे हैं कि कैपिटल सिटी में नहीं बनना चाहिए, अच्छा बनना तो चाहिए लेकिन कैपिटल सिटी में नहीं बनना चाहिए, तो उस लिहाज से तो हमारे यहाँ कैपिटल सिटी, हमारे दिल्ली में जितनी भी मस्जिदें हैं तो क्या वो नहीं होनी चाहिए? क्या उन सारी मस्जिदों को हटा देना चाहिए? तो ये क्या सोच हुई भाई कि अगर बनना चाहिए तो कैपिटल सिटी में ना बने, और अगर बनेगा तो बहुत नेगेटिविटी हो जाएगी, बहुत पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा और ये मजहबी लिहाज से ठीक नहीं है। तो फिर उस हिसाब से दुबई में जो मंदिर बनने जा रहा है, जो इतना भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो फिर वो कैसे हो रहा है भाई? तो मतलब दुनिया जहाँ एक इंतहा पसंदी से बाहर निकल के बेहतरी की तरफ जा रही है, सबको अपना कर अगर आप चलेंगे ना तभी आप तरक्की कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान, ये आपको साफ तौर पर नज़र आ गया होगा कि ये कितना सेकुलर है। ये सब जो है ना ड्रामे हैं, ढकोसले हैं जो करते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं पाकिस्तान में और हम तो बड़ा अच्छा समझते हैं, बहुत ही एहतराम के साथ रखते हैं। कोई एहतराम के साथ नहीं रखते। अच्छा, आप ये सोचिए, अगर यही सवाल भारत में किया जाता तो क्या भारत के मुस्लिम मना करते कि मंदिर नहीं बनना चाहिए? हमारे यहाँ अयोध्या का फैसला आता है उसको लेकर उसको एक राजनीतिक मुद्दा जितना बनाया जा सकता था खूब बनाया, अदरवाइज उसमें कोई परेशानी की बात नहीं थी, फैसला तो काफ़ी साल पहले आ जाना था। लेकिन क्या कोई देश में कोई दंगा हुआ, कोई किसी ने कोई सवाल करा? जो भी हुआ वो सब पॉलिटिकल लेवल पर हुआ, वो सब हमें सबको मालूम है कि किस तरह की पॉलिटिक्स में ये सब जो चीज़ें होती हैं वो करते हैं। अदरवाइज़ यहाँ की आवाम ने कुछ इस तरह का किया? तो मैं उस लिहाज से ही हमेशा कहती हूँ कि जो एक भारतीय मुस्लिम जो है उनकी एक अलग पहचान है और उसको बरकरार रखें। और ये जो पाकिस्तानी मुस्लिम है ना, ये एक्चुअली इंतहा पसंद है। कहते हैं ना, वो ऊपर वाला भी उसे इज्जत दिलाता है जिसकी नेक नियती होती है, जिसका दिल साफ होता है, जो दूसरों के हकूक की इज्जत करना जानता हो, जो दूसरे मजहब को इज्जत करना जानता हो। ये भले ही अपने आप को लिबरल दिखाते हों, सेकुलर दिखाते हों, दरअसल सच्चाई यही है कि ये इसी सोच के मालिक हैं। और एक इंडियन मुस्लिम होने के नाते मैं फ़ख्र करती हूँ कि मैं भारत में हूँ, भारतीय मुस्लिम हूँ, और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी मेजॉरिटी इज्जत एहतराम देती है अपनी माइनॉरिटीज़ को और उनको साथ लेकर चलती है। तो यही है इंडिया का कल्चर जिसको हमें एहतराम करते हुए जिसको आगे लेके चलना है। बार बार ये हवाला देते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा ही सेकुलर कंट्री है, लेकिन भारत में बहुत तशद्दुद हो रहा है, भारत में बड़ा जुल्म सितम हो रहा है, ये कश्मीर का झुंझुना बजाते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि एक बार भारत आकर देखें और अपने मुँह पर अपने ही हाथ से जूता उठाकर मारें जो ये इतनी बकवासें करते हैं भारत के बारे में। मैं खुद एक इंडियन मुस्लिम हूँ, मैं खुद यहाँ मुस्लिम होकर, भारतीय मुस्लिम होकर बैठकर ये बात पूरे फख्र से कह रही हूँ कि मैं एक भारतीय मुस्लिम हूँ। जिस तरह का प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ किया जाता है पाकिस्तान में, और मुसलमानों को लेकर जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मुसलमानों को कोई हकूक नहीं है, एक्चुअली ये खुद ऐसे हैं, ये इन्होंने गैर मुस्लिम को कोई हकूक नहीं दिए हैं, इसी तरह की सोच रखते हैं। कोई मंदिर बने तो उस पर इनको इतनी आफत पड़ रही है। ये जो इनका असल चेहरा है वो सामने है आप सबके, ये पाकिस्तानी पब्लिक हो या पाकिस्तान का वजीर आजम हो, कोई भी हो, इनकी सोच यही है। और हमारे देश में तो देखिए, एक मुसलमान हमारे देश में राष्ट्रपति बन जाते हैं, हमारे देश में तो IAS IPS हैं, एक किसी भी आप ओहदे पर देख लें वहाँ पर आपको मुस्लिम मिलेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा इंडियन कल्चर है जो हमें सिखाता है कि सबको साथ लेकर चलो, सबकी इज्जत एहतराम करो। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपका ये पहला फ़र्ज़ बनता है कि आप पहले आप एक इंसान हो, आप सबके लिए अच्छी सोच रखो। ये हमें इंडियन कल्चर सिखाता है और मुझे फ़ख्र होता है कि मैं इंडियन मुस्लिम हूँ। शायद अगर मैं पाकिस्तान में होती तो मेरी भी ऐसी ही कट्टरपंथी सोच होती, क्योंकि वो तो एक प्रोसेस चल रहा है ना,
एक के बाद एक, एक के बाद एक, पीढ़ी दर पीढ़ी वो प्रोसेस जो है वो वहां पर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये अपने आप में कोई तब्दीली नहीं लाने वाले हैं, ये इसी सोच के मालिक हैं। और आप ये कहते हैं कि बहुत जुल्म हो रहा है भारत में माइनॉरिटीज के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। इनसे कोई सवाल करे कि इतनी मस्जिदें तो इनके मुल्क में भी नहीं है जितनी मस्जिदें भारत में हैं, और हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम ऐसा विवाद, अगर कुछ चंद लोगों को हटा दिया जाए ना जो इंतहा पसंद सोच रखते हैं, तो आप देखें यहाँ पर कितना अमन और सुकून रहा है। सालों से ये मुल्क रहा है, दूसरों के लिए सीख रहा है, सबको यहाँ एक जैसे हुकूक हैं, सबको यहाँ पे बराबरी का मौका मिलता है। आप किसी एग्जाम में अप्लाई कीजिए, आप किसी बिजनेस में अप्लाई कीजिए, वहाँ पर आपको ये सोचकर भेदभाव नहीं होगा कि तुम मुस्लिम हो तो तुम जाओ लास्ट में खड़े हो। लेकिन पाकिस्तान में दोयम दर्जे का समझा जाता है, हिंदू सिख क्रिश्चियन उन सबको दोयम दर्जे का समझा जाता है, किसी भी गैर मुस्लिम को मुसलमानों के बराबर वहाँ हुकूक है ही नहीं, क्योंकि ये खुद को सुपर डुपर समझते हैं, ये खुद को सबसे ऊपर समझते हैं कि ये चूंकि ये मुसलमान हैं और चूंकि पाकिस्तान है तो वहाँ पर जो भी गैर मुस्लिम हैं उनको हमेशा दोयम दर्जे का ही समझना है। और बहुत ही शर्म की बात है कि ये किस मुंह से अपने आप को एक सेक्युलर एक लिबरल मुल्क कहते हैं, किस मुंह से ये इंटरनेशनल लेवल पर जाकर और वहाँ भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, कश्मीर का झुंझुना बजाकर मुसलमानों का कार्ड खेलकर कि भारत में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये अपने यहाँ की गंदगी को छुपाते हैं। इनकी असल सोच ही यही है कि ये जो भी गैर मुस्लिम हैं उनको दोयम दर्जे का ही समझेंगे और उनको बराबरी का हकूक दे ही नहीं सकते। एक मंदिर बनने में इनमें ये आफत है। तो ये कितना सेकुलर मुल्क है ये इस वीडियो से आपको पता ही चल गया होगा। और जितने ये पाकिस्तान के यूट्यूबर्स बैठ के बोलते हैं ना कि बहुत ही अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए भाई भारत के साथ, तो हमारे रिश्ते बेहतर हों, बहुत अच्छा रहेगा, ये रहेगा, एक्चुअली ये सब ढकोसला है। ये कोई भाईचारा कोई अमन नहीं चाहते हैं। इनका सोच ही इसी तरह की है कि पूरी दुनिया पे जो पाकिस्तानी हैं ये अपना इस्लाम चलाएं, और ये जो तालिबान और पाकिस्तान ये जो मिलकर है ये पूरी दुनिया में इस्लामीकरण करें, इनकी एक्चुअली ये सोच है। वरना आप देखें दुबई में भी तो एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उस लिहाज से वहां पर अगर हम सवाल खड़ा करें तो वहां पर वो तो एक मुस्लिम कंट्री है, वहां कैसे हो रहा है? सऊदी अरब में महाभारत और रामायण को वो अपने टेक्स्ट बुक्स में शामिल कर रहे हैं। मतलब जो मुल्क जो जहां शरिया लॉ है, जहां पर आप देखें पहले जो था वहाँ का रूल और अब में कितनी तब्दीली आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये ठोकर शायद लग चुकी है कि भाई सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, खास करके सनातन धर्म को साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको सीख देता है, वो जिंदगी जीने की सीख देता है। और ये कोई झूठ नहीं है, ये इस मामले में मैं कहूँगी कि आप जितना जानें, खास करके मैं हमारे जो देश के मुस्लिम से उनसे कहूँगी कि आप प्लीज़ इस बात को जानें समझें और देखें आप कि क्यों एक ऐसा मुल्क हमारा जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी में है लेकिन यहाँ पर मुसलमानों के लिए देखिए तमाम हुकूक हैं, सबसे ज़्यादा मस्जिदें इस मुल्क के अंदर हैं और हमारे देश की इतनी बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, तो ये कहाँ से बराबरी करते हैं भारत की? ये जो इनका मजहब का चश्मा लगा हुआ है ना वही इनको रुसवा करा रहा है। हर दिन आप देखें पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, ना कि केवल इनके खुद के मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में इनकी बेइज्जती हो रही है। ये सोचना चाहिए जो हमारा इंडियन कल्चर से हमें सिखाता है कि आप भले ही आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं सिख हैं ईसाई हैं लेकिन उससे पहले क्या हैं, आप एक मानव हैं, आप इंसान हैं, आप उसको पहले रखिए प्रायोरिटी पे। लेकिन ये तो मुझे लगता है कि इंसान भी नहीं समझते गैर मुसलमानों को, जिनके बारे में इनकी ऐसी राय है कि उनका मंदिर बनने पर इनको इतनी आफत आ रही है। तो खैर दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मैंने कहा था कि थोड़ी सी वीडियो सीरियस रहने वाली है, लेकिन थोड़ी सी नहीं, वाकई ये सीरियस मुद्दा है कि ये जो है एक मंदिर बनने पर इनकी ये सोच, इनका ये कट्टरपंथ बाहर निकल रहा है। तो आप सोचिए जो आए दिन मंदिर पर हमले होते हैं पाकिस्तान में, माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले होते हैं, उनको ज़बरदस्ती उनके साथ जो सलूक किया जाता है और उनको मारा जाता है, और कितनी कम तादाद में अब वहाँ माइनॉरिटीज़ बची है, तो वो सारी सच्चाई है, वो सारी रिपोर्ट सही होती हैं। और बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तानी वजीर आजम की और पाकिस्तान की कंप्लीट जितनी भी आप इस्टेब्लिशमेंट देखें, इनके फौज देखें, सबका यही नजरिया है, यही सोच है, इनके अंदर यही कट्टरपंथ है। और इसीलिए तालिबान इनका लाडला रहा है, क्योंकि ये तालिबान के लाडले हैं इसी सोच की वजह से। तो खैर दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, अपना और अपने इस प्यारे मुल्क का ख्याल रखें, एक भारतीय होने पर और एक भारतीय मुस्लिम होने पर गर्व करें, जो कि मैं कर रही हूं। शायद अगर मैं पाकिस्तान में होती तो मेरी भी ऐसी ही कट्टरपंथ सोच होती जो इन लोगों की है, और सबको मैं दोयम दर्जे का समझती, क्योंकि मैं अपने आप को समझती कि मैं अव्वल हूं, मैं जो हूं मैं मुस्लिम हूं, तो मैं बाकी सबको कमतर समझती, क्योंकि ये पाकिस्तानियों की सोच है। कोई तब्दीली नहीं हुई तो इसी तरह से हमेशा रुसवा होता रहेगा पाकिस्तान, इसी तरह से दुनिया पर जलालत उठाएगा और एक दिन ये कंप्लीट आइसोलेशन में चला जाएगा, अगर यही सोच रही पाकिस्तानी वजीर आजम से लेकर पाकिस्तानी अवाम की। सो खैर दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना और अपने इस प्यारे मुल्क का ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।